आपका और अब आपको काले धन कुबेर की काली कुंडली के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद सीबीआई टीम की आंखें भी खुली की खुली रह गई। जी हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड आईएएस अफसर सत्येंद्र सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी की, जहां सीबीआई ने सत्येंद्र सिंह के 9 ठिकानों पर छापा मारा। आपको बता दें कि सत्येंद्र सिंह 2012 से 2014 के बीच कौशाम्बी के डीएम थे। रईस दौरान और इसी दौरान ही उन पर घोटाले का आरोप लगा था। वहीं सीबीआई के छापे में सत्येंद्र सिंह के ठिकानों से 44 अचल संपत्तियों, 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। वहीं 51 लाख रुपए की बैंक एफडी के कागजात भी मिले। 36 बैंक खाते सत्येंद्र सिंह और उसके परिवार के नाम पर मिले। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नई दिल्ली के बैंकों में 6 लॉकर्स की जानकारी मिली। 2,11,00,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए। पुरानी करेंसी के भी 1,00,000 रुपए लॉकर में मिले। लखनऊ आवास पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। नियम विरुद्ध खनन पट्टे देने के मामले में फंसे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के साथ ही करोड़ों की संपत्ति नकदी बरामद हुई है। 44 अचल संपत्तियों के दस्तावेज सीबीआई को अब तक मिल चुके हैं। इसके अलावा 2 करोड़ से ज्यादा के सोने, हीरे, जवाहरात बरामद हुए हैं सत्येंद्र सिंह के ठिकानों से। ये आप देख सकते हैं कि गोमती नगर के विशाल खंड में ये सत्येंद्र सिंह का एक आवास है, जो कितना बड़ा, कितना आलीशान है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये इकलौता ऐसा मकान नहीं, गोमती नगर में ही सत्येंद्र सिंह के और भी मकान हैं। इसके अलावा कई और ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की है, और इस छापेमारी में कई अहम जानकारियां निकल कर आई हैं। कई बैंक खातों की जानकारी सीबीआई को मिली है, जो सत्येंद्र सिंह और उसके परिवार के लोगों के नाम पर है। सत्येंद्र सिंह के साथ ही 9 और लोगों के ठिकाने पर भी सीबीआई की छापेमारी हुई है। बहरहाल, अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, सीबीआई की छापेमारी हो रही है, उससे सिर्फ सत्येंद्र सिंह ही नहीं बल्कि जो उसके करीबी हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर बात करें सत्येंद्र सिंह के कारनामों की, तो वो सिर्फ कौशाम्बी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लखनऊ के डीएम और एलडीए के वीसी रहते भी सत्येंद्र सिंह ने तमाम कारनामे किए। चाहे वो ज़मीनों का उपयोग बदलने का मामला हो, चाहे वो ज़मीनों के आवंटन से जुड़े मामले हों, कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर सत्येंद्र सिंह हमेशा चर्चा में रहे। टेंडर से जुड़े कई मामलों में भी सत्येंद्र सिंह के खिलाफ आज भी जांच चल रही है। कई वित्तीय अनियमितताओं में भी इनके खिलाफ अब भी जांच जारी है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और सीधा रुक कर लेते हैं लखनऊ का। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेश, देखिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं, नए खुलासे भी इस पूरी जांच पड़ताल में हुए हैं, बहुत सारी संपत्तियों का पता चला है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है वीरेश आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एबीपी गंगा के दर्शक ये जान लें कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं, लेकिन इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में, ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सत्येंद्र सिंह को डकैत कहा जाता है। और उसके जो काले कारनामे हैं लखनऊ की सरजमी से लेकर पूरे प्रदेश में, जहां जहां वो रहा है, वो विख्यात नहीं कुख्यात रहा है। और उसका जो कारनामा है उसका अपडेट आप मांग रही हैं, अभी और खुलासे होने हैं। लगातार जो सीबीआई के छापे हैं वो जारी हैं, और सबसे बड़ा तो दुख की बात यह है कि ये जब छापे आगे बढ़ेंगे, जब कागजात और खुलेंगे, परत दर परत खुलेंगे, तो लखनऊ ही नहीं पूरा प्रदेश हिल जाएगा, देश हिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे बड़े राजनेता, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े भूमाफियाओं का नाम सामने आएगा, क्योंकि एलडीए के इतिहास में सत्येंद्र सिंह से ज्यादा भ्रष्ट कोई भी वीसी नहीं हुआ। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा जाता है लखनऊ डुबाओ अथॉरिटी, लखनऊ के विकास के लिए नहीं बल्कि लखनऊ के विनाश के लिए ऐसे अधिकारी जिम्मेदार हैं। मैं थोड़ी सत्येंद्र सिंह के बारे में बता दूं एबीपी गंगा के दर्शकों को, जब ये 2 साल कौशाम्बी का डीएम रहा तो अपने जो काले कारनामे थे जिसकी वजह से वो विख्यात और कुख्यात रहा, उसकी जब पहुंच यादव परिवार के एक बड़े मंत्री के पास पहुंची कि बहुत बड़ा काबिल है लूटने में,
तो उनकी कुछ ऐसी जमीनें, कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जो कॉमर्शियल नहीं हो रहे थे, तो उस कलाकार अधिकारी को डीएम के पद से हटाकर यहां वीसी बनाया गया और उसके बाद कॉमर्शियल करने की कोशिश की गई। इतने पर ही सरकार नहीं रुकी, बल्कि इसकी काबिलियत को देखते हुए लखनऊ का जिलाधिकारी और वीसी भी बना दिया गया, दोनों साथ साथ पद पर रहा, क्योंकि बहुत ही काबिल अधिकारी था लूटने में। तो ये जो आप करोड़ों के आंकड़े देख रहे हैं वो बेहद कम है, और इसके बारे में एक मामला बहुत ही कुख्यात है कि ये कैलकुलेटर लेके बैठता था, और ठेकेदारी जब किसी को देता था तो एक रजिस्टर रखता था, रजिस्टर उस पर जो ठेकेदारों से चेक का जो पेमेंट होता था तो वहां हिस्सा लिया जाता था। अमूमन एलडीए में 2% 3% की भ्रष्टाचारी ये जो कमीशन है माना जाता था, वो 15-15 20-20% लेता था, क्योंकि उसे और जगह पहुंचाना रहता था। मिलेनियम स्कूल है, वो भी उसका मालिक है, बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल स्कूल है, उसकी अकूत संपत्ति का आकलन अभी बिल्कुल। देखिए वीरेश, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इसे डकैत कहा जाता है, क्योंकि इसके जो काले कारनामे हैं वो बहुत बड़े हैं और भ्रष्टाचार की सारी हदों को पार करते हुए। और वैसे में सवाल ये है वीरेश कि कैसे पता चला सत्येंद्र सिंह के बारे में कि वो इतना बड़ा खेल कर रहा है, क्योंकि जो इससे पहले सरकार थी उसमें तो कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त था सत्येंद्र सिंह को, जब ही इतने भ्रष्टाचार करता रहा, काले कारनामे करता रहा। देखिए, जनहित याचिका हाई कोर्ट में डाली गई थी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच की गई, और सीबीआई जांच में जब एक खनन का मामला सामने आया तो जब परतें खुली तो उसका नाम आया। कौशाम्बी से लेकर लखनऊ तक जब जांच आगे बढ़ी तो ये सारी बातें सामने आई। लखनऊ में जितने भू माफिया हैं, दिलीप सिंह बाफला बहुत चर्चित है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जितने भू माफिया हैं उनके भूमि को समायोजन करने का काम यह करता था, यानी जो गरीब है, वंचित है, उनके हिस्से की हिस्सेदारी भू माफियाओं तक देता था, राजनेताओं तक देता था। और मैं आपको बता दूं, ये मामला आगे बढ़ेगा, बहुत बड़े राजनेता का जो हाथ है इसके सर पर था, उनका भी नाम आएगा, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं वो भी इसकी चपेट में। यानी वीरेश, आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे खुलासे होंगे, यानी बहुत से ऐसे सफेदपोश हैं जो इस काले कारनामे में लिप्त पाए जाएंगे, जिनके नाम सामने आने के बाद सबको हैरानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़